यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली लौट रही स्पेशल फ्लाइट में हुई देरी, 241 यात्रियां हैं सवार, जाने अब कब तक पहुंचेंगे दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मैं मान्या अरोड़ा, स्वागत है आपका ट्रिगर न्यूज़ में। यूक्रेन पर हमले की गहराती आशंका के बीच भारत ने यूक्रेन और आसपास के क्षेत्रों में रह रहे भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए अभिनय शुरू कर दिया है। मंगलवार को सुबह यूक्रेन से एयर इंडिया की एक फ्लाइट भारत के लिए रवाना हुई थी, जिसमें 241 यात्री सवार हैं। ये फ्लाइट थोड़ी देर से भारत पहुंचेगी। पहले से रात को 10:15 तक यहाँ पहुंचना था, लेकिन कुछ कारणों से फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई है। अब यह 11:30 बजे तक यहाँ पहुंचेगी। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने का फैसला किया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास के अनुसार भारत कीव से दिल्ली के लिए 25 फरवरी 27 फरवरी और 6 मार्च को अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगा। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध की आशंका के चलते भारतीय छात्रों को यूक्रेन में दूतावास ने पहले ही स्वदेश लौटने की एडवाइस जारी कर दी थी, लेकिन फ्लाइट बंद होने के चलते भारतीय छात्रों के स्वजन बेहद परेशान थे। भारत ने एक बार फिर से भारतीय नागरिकों और छात्रों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। कवि स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारतीय छात्र यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के अधिक पुष्टि के बजाय वापस देश लौट आए। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि रूस के साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और नागरिक विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जुड़े रहिए बाकी की खबरों के लिए। धन्यवाद।